गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएमसी दैट मींस कंगारू मदर केयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ पर जो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं उनमें से जिन भी लोगों ने इस चैनल के वीडियो देखे हैं और मोस्टली मेरे पास इवन व्हाट्सएप पर भी पर्सनल मैसेज आते हैं जिनका CHO में, किसी किसी का एम्स में, बहुत सारी जगह सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप आप लोग वीडियो देखें, जरूर देखें वीडियोस को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी लोग नए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको नेशनल लेवल पर जो भी एम्स के या फिर CHO के लिए, अदर हॉस्पिटल या फिर स्टाफ नर्स के लिए पेपर होते हैं उनमें सभी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट इस चैनल पर आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंगारू मदर केयर है क्या, क्यों प्रोवाइड की जाती है, इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन इसको प्रोवाइड करा सकता है, इसका मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, क्या पोजीशन देंगे, क्या कंपोनेंट रहेंगे, ये सभी आपको इस वीडियो में एज एन पॉइंट मिलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कंगारू मदर केयर को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, किसने इसको इनिशिएट किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, बताया गया था, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 1978 बाय डॉक्टर एडगर रे। ये नाम आपको याद रखना है कि KMC कंगारू मदर केयर को डॉक्टर एडगर रे ने 1978 में इनिशिएट किया था। कोलंबिया के एक डॉक्टर थे जिन्होंने बताया था कि कंगारू मदर केयर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं और जिन भी बेबीज़ का हीमोडाइनमिक सिस्टम क्या है डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना, डॉक्टर एडगर रे एंड डॉक्टर हेक्टर मैटिन्स, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कंगारू मदर केयर के लिए इनिशिएट, बताया था 1978 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंगारू मदर केयर कौन कौन दे सकता है और किन बेबीज़ के लिए दी जाती है। तो कंगारू मदर केयर क्या है, इज ए न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न इन्फेंट सिक्योर्ड स्किन टू द मदर। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू मदर के पास रखा जाता है जनरली बेबीज़ को चेस्ट के यहाँ पर। तो ये केयर मदर के अलावा कोई और भी फैमिली मेम्बर दे सकता है, बस उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, और ये उन बेबीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली केयर है जिनका लो बर्थ वेट बेबीज़ हों, जिनका बर्थ वेट कितना हो बिलो द 2.5 kg, बर्थ वेट कितना होना चाहिए 2.9 to 3.5 इंडिया में, बट यहाँ पर जो लो बर्थ वेट बेबीज़ का बर्थ वेट बताया गया है वो कितना है 2500 ग्राम से कम होगा, उन्हीं के लिए KMC दी जाएगी। साथ ही साथ जो प्रीटर्म इन्फेंट्स है, मतलब जिनका 37 वीक्स जेस्टेशनल पीरियड है उसके पहले क्या हो गई और डिलीवरी हो गई, और टर्म इन्फेंट्स को भी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो LBW और साथ ही साथ प्रीटर्म इन्फेंट, इन दोनों कंडीशन में जो KMC है प्रोवाइड की जा सकती है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि मदर के अलावा कोई और फैमिली मेम्बर दे सकता है, बट उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। ये देखिए यहाँ पर कंगारू मदर केयर की पोजीशनिंग बताई हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो ड्यूरेशन है, सेशन है, कितने टाइम तक रहना चाहिए। तो इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है एटलीस्ट 1 आवर होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात की जाए तो होगा 24 घंटे, कंटिन्यूस 24 घंटे तक भी कंगारू मदर केयर दी जा सकती है, बट मिनिमम कितना है 1 आवर, 1 घंटे, और कोई सा भी फैमिली मेम्बर दे सकता है, उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट है क्यों दी जाती, व्हाई इट्स प्रोवाइडेड, जो जिन भी बेबीज़ का बर्थ वेट कम हो, लो बर्थ वेट बेबीज़ हो उनके लिए, और साथ ही साथ बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए उन लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंगारू पोजीशन, कंगारू न्यूट्रिशन एंड कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। कंगारू पोजीशन में मदर और बेबी के लिए क्या पोजीशन यूज़ की जाएगी, कंगारू न्यूट्रिशन में आएगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाना है, कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलोअप में ये रहेगा कि यदि मदर ने कंटिन्यूसली या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने उस लो बर्थ वेट बेबीज़ को, टर्म बेबीज़ को या फिर जिस भी बेबी का जो हीमोडाइनमिक सिस्टम वीक है उनके लिए कंटिन्यूस KMC दी है तो उनमें क्या चेंजेस आएंगे, तो उनको किस तरीके से डिस्चार्ज करना है, सभी चीज़ें रहेंगी। कंपोनेंट्स में कंगारू पोजीशन में मदर की जो पोजीशन है, बेबीज़ की पोजीशन ये देखी जाएंगी, न्यूट्रिशन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कंगारू पोजीशन, इसमें से
तीन कंपोनेंट है इसके, कंगारू पोजीशन, कंगारू न्यूट्रिशन एंड डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें कंगारू मदर केयर में से, कंगारू पोजीशन में से, कि बेबी को कौन सी पोजीशन दी जाएगी और मदर को कौन सी पोजीशन दी जाएगी जब वो अपने बेबी को KMC प्रोवाइड करा रही हो। तो कंगारू मदर जो पोजीशन है फर्स्ट कंपोनेंट है इसका, तो मदर के लिए जो पोजीशन दी जाएगी वो कि सेमी रिक्लाइन पोजीशन और लेट बैक पोजीशन। तो ये जो पोजीशन दी जाएगी मदर के लिए सेमी रिक्लाइन पोजीशन, ये मदर के लिए इस तरीके से क्यों दी जाएगी, ताकि जो न्यूबॉर्न है, जो इन्फेंट है, उसके लिए गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है बेबी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबी प्लेस ऑन मदर चेस्ट इन प्रॉन पोजीशन। मदर के चेस्ट पर बेबी को प्रॉन पोजीशन में रखा जाएगा और साथ ही साथ बेबी का जो एब्डोमेन होगा वो कहाँ पर होगा, मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन में। जो बॉडी को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है तो उसमें का जो एक रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहाँ पर बेबी को, जो बेबी का एब्डोमेन है एपिगैस्ट्रिक रीजन को टच करना चाहिए। इस तरीके से बेबी को प्लेस करना है मदर की चेस्ट पर इन द प्रॉन पोजीशन। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट, बेबीज नेक टर्न टू वन साइड, बेबी की नेक क्या रहेगी, एक साइड से टर्न रहेगी, या तो लेफ्ट साइड रह सकती है या फिर राइट साइड। नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड रखना है ऊपर की तरफ, ताकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस सांस है वो इजीली ले सके। बेबी के नीज कैसे रखना है, बेबीज नीज आर फ्लेक्स्ड एंड बटक्स आर एबडक्टेड। तो बेबी के नी फ्लैक्स रहेंगे, फैले हुए रहेंगे, बटक्स क्या रहेंगे, एब्डक्टेड रहेंगे, जैसे कि फ्रॉग रहते हैं, मेंढक की पोजीशन रहती है। बेबी की पोजीशन यहाँ पर क्या बताई गई है, फ्रॉग पोजीशन। ये आपको टर्मिनोलॉजी टाइप से याद रखना है कि मदर के लिए सेमी रिक्लाइन पोजीशन प्रोवाइड करानी है और लेट बैक पोजीशन, और साथ ही साथ जो बेबी के लिए पोजीशन देनी है वो कहाँ पर देनी है, मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन में। बेबी को प्रॉन पोजीशन में हमें लेटाना होगा और साथ ही साथ बेबी की नेक है जो एक साइड से क्या रहेगी, थोड़ी सी टर्न रहेगी, और जो नेक है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपर्ट एक्सटेंड करके रखना है। तो यहाँ पर जो बेबी को पोजीशन दी जाती है एग्जाम में कई बार आई है, तो वो फ्रॉग पोजीशन, मेंढक के जैसे बेबी को रखना है मदर के चेस्ट पर एपिगैस्ट्रिक रीजन में। नेक्स्ट है कंगारू न्यूट्रिशन, तो कंगारू न्यूट्रिशन में क्या होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द कंगारू मदर केयर। न्यूट्रिशन में क्या होगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड ही करवाना। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब बर्ड की बात की जा रही है, तो इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूसली 6 मंथ तक बेबी को ओनली ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कराना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना, वो कंडीशन कहलाती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद जो फूड स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है वीनिंग। तो कंगारू न्यूट्रिशन में क्या किया जाना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है कंगारू डिस्चार्ज, यदि मदर ने कंटिन्यूसली अपने बेबी को KMC प्रोवाइड की है तो उसको जल्दी ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। एज अ डायग्राम आप लोग देख सकते हैं KMC कंपोनेंट, कंगारू पोजिशन, न्यूट्रिशन एंड आफ्टर दैट कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, मदर और बेबी में क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, किस कंडीशन में जो KMC दे सकती है मदर, या फिर बेबी किस कंडीशन में कि उसको KMC दे सकते हैं, बाद में स्टॉप कर सकते हैं। तो मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो ठीक होना चाहिए, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी ना हो, और साथ ही साथ मदर में ऐसी कोई डिसीज तो नहीं है जो बेबी को ट्रांसफ़र हो सकती है। सभी बातों का याद रखना है कि यानी कि मदर बीमार है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा वीक है, उस कंडीशन में उसको हम बच्चे को है जो KMC प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो यहाँ पर दो पॉइंट मैंने, एक तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और बेबीज़ में भी सेम कंडीशन लगेंगी कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, और बेबी का जो टेम्परेचर है 34°C होना चाहिए, तभी हम KMC को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। बेबीज़ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, ताकि उनका जो हीमोडायनेमिक सिस्टम क्या है धीरे धीरे डेवलप हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्राइटेरिया मदर बेबीज़ में सेम रहेंगे कि इन्फेक्शन ना हो और उनके जो हीमोडायनेमिकल सिस्टम है वो स्टेबल रहने चाहिए। नेक्स्ट ड्यूरेशन, तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना, 1 घंटे तक हम KMC दे सकते हैं, और यदि मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम है जो 24 आवर तक KMC दे सकते हैं। स्टॉप कब करना है, जब बेबी का बर्थ वेट कितना हो जाए,
2.5 kg विथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बेबी का वो रहे, और साथ ही साथ बर्थ वेट कितना हो 2.5 kg, तब हम KMC को, कंगारू मदर केयर को स्टॉप कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होंगे, तो इसमें मदर के लिए अलग बेनिफिट होंगे, बेबीज़ के लिए अलग बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबीज़ में क्या बेनिफिट होंगे। इम्प्रूव्ड कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी, यदि कोई लो बर्थ वेट बेबीज है हम उसको KMC प्रोवाइड कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसके अदर बॉडी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो धीरे धीरे ठीक होंगे। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा बेबी के लिए, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी। फीवर एपिसोड ऑफ डिसेचुरेशन एंड एपनिया, एपनिया के वो कंडीशन भी एपिसोड्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। KMC कैन सक्सेसफुली ट्रीट माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, KMC के थ्रू जो माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो रही है किसी इन्फेंट में वो भी ठीक हो सकती है। इम्प्रूव्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, हायर इनिशिएशन एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बार बार वो दूध ब्रेस्ट फीड करेगा तो उसके लिए क्या रहेगी, उसका जो डेवलपमेंट है वो भी जल्दी होगा। एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड सेटिस्फैक्ट्री वेट गेन, यदि वो बार बार ब्रेस्ट फीड करेगा तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन भी रहेगा साथ ही साथ उसका वेट गेन होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई अदर बॉटल फीड के कंपैरिजन में यदि ब्रेस्ट मिल्क बेबी पिएगा कंटिन्यूसली तो उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट तो किसके होगा, बेबीज़ के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मदर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, तो मदर में कॉन्फिडेंस रहेगा कि अपने इन्फेंट की प्रॉपरली केयर कर पा रही है, बॉन्ड रहेगा, एक इम्प्रूव बॉन्ड रहेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा मदर इन्फेंट के बीच में फिजिकल क्लोजनेस के कारण। मदर के लिए एक ये फीलिंग आएगी कि वो अपने बेबी के अच्छे से केयर कर पा रही है, प्राइमरी केयर गिवर है अपनी बेबी के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या मिलेगा, प्रमोटेड रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, और मदर्स के लिए वो बता सकती है। तो गाइज ये थे क्या बेनिफिट्स मदर और बेबीज़ के लिए, तो हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें जो पॉइंट एग्जाम में आते हैं जनरली। तो सबसे पहले है इसमें कि KMC है जो किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर एडलर रे ने 1978 में। दूसरा है कि KMC स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है बेबीज़ के लिए, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं और जिनका जो प्रीटर्म इन्फेंट्स जिनका डिलीवरी जेस्टेशनल है 37 वीक्स से पहले ही उनकी डिलीवरी हो गई, टर्म इन्फेंट्स में भी दे सकते हैं, ये KMC पोजीशन दी हुई है यहाँ पर। फैमिली का कोई सा भी मेंबर KMC प्रोवाइड कर सकता है, बस उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, और एटलीस्ट 1 आवर तक, एक सेशन 1 आवर तक का होना चाहिए। क्यों दी जाती है, तो जिन भी बेबीज का बर्थ वेट कितना हो, कम हो, लेस देन 2.5 kg हो, और उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कंपोनेंट्स इसके मेनली एग्जाम में आते हैं, कंगारू पोजिशन, कंगारू न्यूट्रिशन एंड कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। कंगारू पोजिशनिंग में मदर के लिए जो पोजीशन दी जाती है वो है सेमी रिक्लाइन पोजीशन फॉर द मदर, और बैक लेट पोजीशन, जो एक कंफर्टेबल और सस्टेनेबल पोजीशन होती है जिससे बेबीज के लिए GID डिसीज से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा है बेबी के लिए, तो बेबी के लिए फ्रॉक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, जो मदर की चेस्ट पर बेबी को प्रॉन पोजीशन में रखा जाता है जिससे जो बेबी का एब्डोमेन है वो मदर का जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पर टच हो। नेक के लिए थोड़ा सा टर्न किया जाता है और साथ ही साथ नेक को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके रखा जाता है ताकि रेस्पिरेशन सही से रहे, वो सांस सही से ले सके बेबी। और जो पोजीशन दी जाती है वो फ्रॉक पोजीशन बेबी के लिए, तो दो याद रखना है आपको, एक तो फ्रॉक पोजीशन बेबीज के लिए और सेमी रिक्लाइन पोजीशन मदर के लिए, और बेबी का जो एब्डोमेन है वो मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन से टच होना चाहिए। 3 पॉइंट हैं जो एग्जाम में आपके लिए कई बार आ चुके हैं। दूसरा है कंगारू न्यूट्रिशन कंपोनेंट है जो, तो KMC का सेकंड कंपोनेंट है कंगारू न्यूट्रिशन, इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है मदर के लिए, बताना है कंगारू मदर केयर के टाइम पर कैसे आपको एक्सक्लूसिवली कम्प्लीटली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। थर्ड है कंगारू डिस्चार्ज, यदि मदर ने कंटिन्यूसली प्रॉपरली अपने बेबी को KMC प्रोवाइड की है तो उसको एज अर्ली एज है जो डिस्चार्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, किन कंडीशन में मदर बेबी के लिए KMC दे सकती है और किन कंडीशन में बेबी है जो एक्सेप्टेबल रहेगा KMC के लिए। तो मदर का जो हीमोडायनेमिक सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका जो टेम्परेचर है बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा है बेबी के लिए भी सेम कंडीशन है, बट बेबी के लिए जो यदि उसका बर्थ वेट भी कम है इवन, और उसका जो हीमोडायनेमिक सिस्टम भी स्टेबल है, इन्फेक्शन भी नहीं है उसके लिए,
बट उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेशन मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम है 24 आवर, मीन्स मिनिमम 1 घंटे तक तो देना ही, यदि मैक्सिमम बात की जाए तो वह 24 घंटे तक दे सकते हैं। स्टॉप कब करना है, जब बेबी का बर्थ वेट 2.5 kg हो जाए और साथ ही साथ उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा रहे, नॉर्मल। नेक्स्ट है बेनिफिट बेबीज के लिए, तो बेबी के लिए एपनिया से प्रिवेंट किया जा सकता है, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ बेबीज और मदर के बीच क्या रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम रहेंगे यदि बेबी कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग करेगा। नेक्स्ट है मदर के लिए, तो मदर को फीलिंग आएगी, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि वो अपने बेबी की प्राइमरी केयर गिवर है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करेगी, और मदर के लिए ये फीलिंग आए कि वो अपने बेबी के जो केयर में क्या कर रही है, एक अच्छा रोल प्ले कर रही है, एक्टिव रोल प्ले कर रही है, और साथ ही साथ बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा। सो गाइस ये थी टोटल KMC में जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। आई होप जिन भी लोगों ने अभी तक पेपर दिए होंगे उनको तो समझ में आ ही गए होंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग अपकमिंग टाइम में आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देंगे उनको भी हेल्पफुल होगा। तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।